हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम घर बैठे डॉग ब्रीडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सामने देख पा रहे होंगे, ये एक लेबराडोर की फ़ीमेल है और यहाँ एक जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल बैठी है मेरे पास में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे हम एक डॉग रख के लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये की अर्निंग कर सकते हैं, कम से कम 6 हज़ार रुपये की मंथली अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉग ब्रीडिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें एक लगभग सेमी एडल्ट लेब्राडोर या जर्मन शेफर्ड लेना है। यही दो ब्रीड के डॉग लेना है क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। मैंने भी इनसे ही स्टार्ट किया था, मेरे पास सबसे पहले लेब्राडोर की फ़ीमेल थी। तो फ्रेंड्स, ये आपको लगभग मिल जाएगी 6 से 8 महीने की फ़ीमेल लगभग 8 हज़ार रुपये में। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ कि आपको डॉग लेना कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, आपको सेमी एडल्ट डॉग लेने के लिए यूट्यूब पर एक चैनल है गणेश डॉग वर्ल्ड। गणेश डॉग वर्ल्ड पर आपको लगभग एडल्ट फीमेल की वीडियो हर 2-3 दिन पर आती रहती है। तो आप उनसे वो कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं ओनर के, और उनका कोई मतलब उससे वो कुछ पैसे वैसे नहीं लेते हैं कमीशन। वो आप डायरेक्ट ओनर से बात करके आप फीमेल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो उन्हीं से कॉन्टेक्ट करके मैंने भी ये फीमेल लिया था, तो अच्छा खासा इससे अर्निंग मुझे हो जा रहा है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो डाल के बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, एक आपको फीमेल लेनी है लगभग 8 हज़ार रुपये में पड़ेगी। मुझे ये 8 हज़ार की पड़ी, आपको 7 हज़ार में भी पड़ जाए, 6 थाउज़ेंड में पड़ जाए, आप ऑनर से जितना निगोशिएबल करा लीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको गणेश डॉग वर्ल्ड से पे जाके और एक लेबराडोर की फ़ीमेल एडल्ट फीमेल ख़रीदना है, सेमी एडल्ट फीमेल लगभग 6 से 8 महीने के बीच की। वो फीमेल लगभग 3 से 4 महीने में हीट पे आएगी ही आएगी, ठीक है। तो वो फीमेल जब हीट पे आ जाएगी 2 से 3 महीने के बाद, तो उस फीमेल को प्योर ब्रीड डॉग से मेटिंग कराना है, मिक्स ब्रीड की डॉग से नहीं कराना है, उसी ब्रीड की डॉग से आपको मेटिंग कराना है। मेटिंग कराने के लगभग 2 महीने बाद आपकी फ़ीमेल पपीज़ को डिलीवर करेगी। पपीज़ को आपको रॉयल कैनाइन का पेट फूड आता है उसको खिलाना है, ताकि पपी आपके हेल्दी लगे। और उन पपी को आप आराम से लगभग एक बार में, ये मेरी वाली फ़ीमेल दी थी 6 पपीज़, आपकी भी दे सकती है। आपकी कम से कम ये 6 से 8 पपीज़ देते ही देते हैं एवरेज है इनका। तो आपकी 6 पपीज़ अगर देती है तो आपको लगभग 6 पपीज़ आप आराम से 60,000 में बेच सकते हैं। तो 6 महीने में 60,000, और 1 साल में ये 2 बार बच्चे देते हैं, तो आपको साल भर में लगभग लगभग एवरेज 1 लाख रुपये का आप अर्निंग कर ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जिसमें इसके खर्चा अगर हम निकाल दें लगभग 20,000-25,000 भी इसका अच्छा सालाना खर्चा निकाल दें, तो आराम से हम लगभग 70-75 हज़ार की अर्निंग कर सकते हैं महीने की, साल की लगभग महीने की 6 हज़ार रुपये से 7 हज़ार रुपये की अर्निंग, 8 हज़ार तक की अर्निंग कर सकते हैं, मैं कम से कम में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप डॉग ब्रीडिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी लाइन की बिजनेस है, आप जर्मन शेफर्ड भी ले सकते हैं। मेरा भी डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, और मैं इस चैनल पर लगभग हमेशा डॉग की वीडियो डालते रहता हूँ। तो अगर आप डॉग लेना चाहते हैं तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको डॉग दे दूँगा अच्छे रिजनेबल प्राइस में, मैं भी एक ब्रीडर ही हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।